देखिए महारानी गई तो भी फूल नहीं टूटा और हर गए तो भी नहीं टूटा, लेकिन हम सब टूटने वाला नहीं था क्योंकि हम लपा खाद के नौकर नौकर होता। ठीक है महारानी, आइए आप तोड़ के देखिए। हम तो कह दिए थे महाराज को पूजा के लिए पंडित जी का फोन कर देते, लेकिन गड़बड़ा गया। तोड़िएगा फूल, थोड़ा से टूट जाता है। हाँ, बुझा छिया Yeah.
अपना स्वामी के फुलवारी में मैं फूल तोड़ के ले जाऊंगी पूजा करने के लिए। ए सतान, अपना तो छह सतान से फूल नहीं टूटे। चलो ओ द्वार पर फूल तो नहीं टूटा। द्वार काहे कहे दे हम सब बाप की हत्या आई तक काहे कहे बाप रे बाप दुनिया में हम ककरो से लो मुंह लगा लिया नहीं। द्वार द्वार की हमरा राइट राइट वाले फोन हमरा अंदाज से तू ही और सत भतरी हत आ तू सत भतरा था तो कहां तुम से टूट गए। हमरा ऑर्डर न रहा हम तो जबरदस्ती तोड़े के लिए ताइयो कहां तुम से टूट गए। मर्दावा हतिया हम कौन सा मालिक के घर घर। चलो द्वार पर की भेल पूजा की पंडित जी के खबर दे दिया। हाँ मैं पंडित जी के खबर दे दूंगा। हम हैदराबाद के फोटो काल सब फूल तोड़ के आ गई महारानी सब घर घर महल के भीतर जाओ बड़ा के फूल लेके के कहना आने के लिए। ठीक है जाओ जल्दी आओ जल्दी लेट हो जाओ एक तो भाद के महीना है पूजा करे में टाइम लग जाए जुनू मोहन क्या फूल तोड़ के लाई। प्रणाम स्वामी जी खुश रहो फूल तोड़ के लाई पतिदेव फूल तो तोड़ने गए नहीं टूटे। ठीक है जाओ जाओ ए प्रणाम स्वामी खुश रहो लाओ फूल लाओ फूल तो नहीं टूटे नहीं टूटा जाओ खूब खाना खाना ए इधर इधर तुम कही थी हम जोड़े से ले आए हैं उखाड़ फूल लाओ मैं तो सही नहीं फूल तोड़ने के लिए गई थी और जई फूल ऐसे में तोड़ने के लिए कोशिश की और जो फूल कहां चढ़ गए तुमसे भी नहीं टूटा। ठीक है जाओ जाओ एक काम करो जुल्मी सिंह सिपाही है जुल्मी सिंह अबस फूल तोड़ते हैं उनका से फूल फूल पर टूट जाओ हला रे रोज चल गंगा ने बिहने पर गंगा ने हा के कुल्ला चार को तो भोजन पा बच ठीक है वो खुद ही आ गया सिपाही जी आए हाय हाय आहो हो रहा You have
सुंदर फुलबाड़ी में एक सुंदर फूल खिली है। अच्छा छबो महारानी गए तोड़ने के लिए, उससे भी फूल नहीं टूट सका। ओ छेड़ाने गई फूल लोड़ने के लिए, ओ फूल नहीं टूटा, नहीं टूटा। सिपाही जी हमको जाना होगा, आप पर भरोसा है, जा फूल तोड़ के लिए आइए। आप सुंदर मन फुलवाड़ी में जाए और एक फूल तोड़ के ले आइए। ठीक है आप आइए। यही सुंदर बहुत फूल है, लेकिन इससे मैं क्या कहता हूँ, Yeah.
आवाज फूल सब बात में सुन लिया लेकिन मेरे साथ चलने के लिए क्या हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है महाराज सोना सिंह हाँ सिपाही जी वाह फूल में कोई राज छुपी हुई है क्योंकि वह फूल हमसे भी नहीं निकला फूल नहीं और वह फूल में से सुंदर आवाज निकल रही है चल करके आप देखिए फूल रहती है नीचू तोड़ने बगत ऊपर पर भागती आकाश खिल जाता है और गहरी गहरी फूल में से आवाज आती है ठीक है मैं खुद ही चल कर देखता हूँ ठीक है जो कैसा फूल है जो किसी से टूट नहीं पाया ठीक है आइए आइए मैं चलूं अपने बगीचे के पास यही एक सुंदर फूल खिली मैं चलकर ये फूल के तोड़ दो आ फूल बंदे जुलमी सिंह सिपाही ठीक बोले जो गहरी गहरी आवाज आती है मैं इससे जवाब करता हूं जवाब देता है आए हाय हाय
दुद्वा से भूखला हो दुद्वा से भूखला हो हमरा दिए आवाज आई जो मैं भूत बड़े नहीं लेकिन डाढ़े पाते फूल पड़िएगा तो अपना समझ जाऊंगा। मैं छल कर देखता हूं तो फूल फूटता है। ये फूल लिचू जुल्मी सिंह सिपाही जी नहीं नहीं फूल तो टूट नहीं पाया तो कैसे अब मैं क्या करूं। हमारे देवी की पूजा के लिए मैं पीछे आपको पास पास हमें तो पास पास एक ध्यान में है जो काशी को जो पंडित था नरेश पंडा जो कैद खाने में है उनको बुलाइए और उनसे दिखवाइए ये क्या रात छुपी हुई है। ठीक है जाओ, जाओ, जाओ नरेश पंडा को जो कैद खाना में रखा था 12 साल में मर गए होते जिंदे होते हां हां वो जीवित होगा पंडित जी के बुला के लाइए। आज एक अफसर आ गया है जो कैद खाने से निकल कर हमारे पास आ गया। ठीक है जल्दी जाओ पंडित जी खुश रहे क्या बात है बड़े बड़े ऊपर फड़फड़ पी जाते हैं क्या काम से आया हो काम बतलाओ। आज बोलन कर थोड़ा सोना सिंह हमरा कोन काम बाल बच्चा के ब्याह कर भी तब न क्या सोना सिंह आज किया है चलो महाराज सोना सिंह कहिए किस काम से बुलाए हैं आपको कैद खाना से इसलिए बुलाया हूं हमारे सुंदर वन फुलवाड़ी में एक सुंदर फूल खिली है। बहुत सारे आदमी तोड़ने के लिए गया महारानी भी गई जुल्मी सिंह भी गया किसी से फूल टूट नहीं पाया। उड़ाता है नीचू तोड़ने वक्त आकाश लग जाता है किसी से नहीं टूटा ना टूटा महारानी गई ये भी गया उस सभा जी गया किसी से ना टूटा नहीं टूटेगा नहीं एक ही गो मां है वो झूठ बोलेगा जो सत्यमी रानी है सत्यमी रानी से झूठ बोलेगा किसी से नहीं टूटेगा सत्यमा महारानी से नहीं टूटेगा। हाँ हाय 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 पंडित जी महाराज हाँ वो तो कब को मर गई होगी नहीं वो जीवित नहीं है उसको सुंदर वन फुलवाड़ी जंगल में छोड़ दिया गया बाघ सिंह उसको खा गया होगा नहीं नहीं राजा राजा साहब ओ मरने का चल रही है सत्य नारी है क्या वो जीवित है जीवित है सती नारी से हार गए थे भगवान वो भी अभी जीवित है तो वहां जाएगा खोजने के लिए अब कौन जाएगा वो नहीं जानते हैं लेकिन जो बम रखा है जो ब्रिस्टर
वही मिनिस्टर विनायक पानी का फल फूल खाके और इंडा डॉलर का पानी पी करके अभी तक जीवित है। ठीक है, यदि वो जीवित है उससे फूल टूट जाएगी तो आपको बिल्कुल आजाद कर देगा, फूल फूल जाएगा। ठीक है, और अपने आप का प्रगति होगा, सारी बात का नजर खुल जाएगा। बहुत अच्छी बात, महाराज गुरु सिपाही जी बोलिए। जय पंडित जी कहे जो छवो महारानी फूल तोड़ तो है, आपने तोड़ा गुलमी सिंह सिपाही भी तोड़ा। अच्छा, और किसी से टुटबो न करे, आपको सत महारानी है वही फूल तोड़ तो लाएगी और किसी से नहीं। वो है कहां पर, वो तो मर गई, वो तो मर गई होगी, लेकिन बहादुर तुमने सुंदरबन जंगल में छोड़ा था। अब भरोसा है जो पंडित जी कहा, जो जीवित है सत्यनारी है वो फल फूल खा करके रहती है। यही कहा था, सत्यनारी का सत है महान है जिससे हार गए थे भगवान। आपको याद करता है, लेकिन हंसी कहीं जिस समय आप अपने हाथ से कत्ल कर रहे थे, उस समय अगर हम नहीं बचाते उनको तभी वो फूल तोड़ के कौन लाए। नहीं नहीं, कोई नहीं, और किसी से बात भी नहीं पूछ पाएगी। सिपाही जी आप जाएं, अच्छा, और उसको बुला के ले आए। ठीक है, ऊपर वाले
कभी पैदा करूंगा पेड़ पे नहीं बैठेगा हे 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 लग रही है यही है ये महारानी नहीं है आगे जो जमाता हो रहा अब दे ले गए और उठा कर ये क्या रमा भाग पा
और सब कर्म करवा देते हैं। अब कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए। ओ
अगर हो गया तो नहीं कुछ नहीं उसका रिक्स मैं लूंगा याद रखो आज कुछ नहीं अब अगर कोई तरह का हरकत मेरे साथ हुआ तो ये सोना नगर में जल सोनापुर में मैं आत्महत्या करके कुछ नहीं होगा और मर जाऊंगा ठीक है चलिए ठीक है चल दुश्मन के नगरिया रे दैया रे दुश्मन नगरिया रे जल्द करो सिपाही जी आप किस काम के लिए गए थे हाँ सफल हो चुका है इस सामने देखिए सत नारी का सत है महान है जिससे हार गए थे भगवान यही नारी है आप बातचीत कीजिए मैं यहाँ तक पहुंचा दिया कुछ देर के लिए सिपाही जी आते हैं जाओ जाओ आते हैं थोड़े से खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ बातचीत करो आप कहिए मैं सुन रही हूं सुनो सुनो 12 बरस माँ देवी के पूजा के बीत गया आज मुझे इच्छा है कि माँ देवी के चरण पूजा करूं
लेकिन सुंदर वन फुलवारी में एक सुंदर फूल खिली है, वह फूल को तुम्हें तोड़ के ले आना है महाराज। हाँ आप कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। अरे भला आदमी सोच करके देखिए कि जिस राजमहल में छह छह महारानी सती हो, सुंदर हो, माँ की पूजा जा रही, जब उससे ये फूल नहीं टूटा तो मैं डर हूँ, मैं पाप रहा हूँ, मैं ईश्वरी घने बच्चे को चबा गया, मुझसे ये फूल टूटेगा। हाँ हाँ आप मेरा उपहास उड़ाने के लिए बुलवाए हैं। ये छबा हानि गई, खुद मैं गया और जुर्मी से सिपाही भी गया, किसी से नहीं टूटा, किसी से फूल नहीं टूट पाया। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कीजिए आप जाइए, हम अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ठीक है जाओ, यदि फूल नहीं आया तो समझ रखो वही जुर्मी से है और वही भाव सोना सिंह है जो कि तुम्हें भी बख्शेंगे। मैं जा रहा हूं।
ये मैं फूल तोड़ दे बच्चे तुम कौन हो? मैं तो फूल तोड़ने के लिए आई लेकिन तुम कौन हो? मुझे माँ माँ कहकर के जले हुए दिल पर नमक छिड़क रहे हो। माँ बुला बुला मालिक को बुला बुला तुम अपना ओत्र से मुझे पैदा किया लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानती हो। मैं तुम्हारा लड़का हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ राजा साहब देखिए मैं गलत फूल तोड़ने के लिए ये कह रहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ माँ ये कह रहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। भला आप सोच करके देखिए इसका नाभि कुंड जो है ये फूल के जरिए से और देखिए इसका जो सोर है उसके नाभि में लगा है। फूल तोड़ी जड़ से फूल के साथ साथ ये बालक और ये माँ माँ करके मुझे संबोधित कर रहा है। तुम हमसे बहाना करती हो, 12 वर्ष तुम जंगल में रही और बहाना करके कहती हो कि माँ माँ करके पुकारती है, पुकारता है तो ऐसे नहीं। यदि तुम्हें बेटा हो एक परीक्षा परीक्षा स्वीकार करोगे? सात तरह तो अपने स्तर में कपड़ा लगाओ, इसके बाद लड़का अने तुम्हारे स्तर में मुखड़ा लगाएगा। यदि उसको मुखड़ा में दूध चला गया तो समझ रखूंगा जो तुम्हारा। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा परीक्षा है प्रभु, ये कैसा परीक्षा है? ठीक है I'm gonna go.
लेकिन माँ इस दृश्य में तुम दिखाई देती है, यह अच्छा नहीं लगता बेटा। ये भूल लीजिए और इसे संभालिए। अब मैं वही जाती हूँ जहाँ 12 साल तक मैं गुजार जा रही हूँ। हेलो हेलो चौड़ा, यदि मैं सोचता हूँ तुम्हारे जैसा सत्य पृथ्वी में हो हमारे जैसा पापी को कर दिया ना हो तो प्रभाव जाना जाना पृथ्वी में क्यों नहीं उड़ा मैं महाराज। ये अबला के तरह रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उस सुराग को खोजिए जो आपके घर में सबसे बड़ा विष पैदा करने वाले आपकी छेछे महारानी। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये उन लोगों से ही पता लगेगा। वापस आ जाए तो लोग उसे भूला नहीं कहते। आप बुलाइए रानी सब सब बुलाइए। प्रिय प्रिय महाराज अब कहीं नहीं जाना है अगर मैं सोच लेता जो चल हुआ है
मेरा जंगल फूट या जंगल में मेरा बेटा है क्षत्रिय लेकिन माँ माँ हाँ बेटा ये कौन है महाराज? अरे बेटा ये तुम्हारे जन्मदाता पिता है, जाओ तुम इनको प्रणाम करो और इनसे देखो ये सोहर का मोहर होता है, जब तक सोहर में मोहर न मिले तो सोहर गाने में मजा नहीं। एक और गा दीजिए जोर जोर से, उसके बाद देखिए कि रानी सुलोचना मंदोदरी से कहे छथिन मेघनाथ के पत्नी रानी सुलोचना, तो कहे छथिन मंदोदरी से कि हे माँ हाँ रात में हम बड़ खराब सपना देखलो हूँ कि देखलो हूँ जो गिरिया के लोग हाँ हे माँ हाँ देखलो हूँ जो गिरिया के लोग कर्पूरी गरम के लोग बड़ खराब सपना देख लो। कैसा सपना? कहाँ छठी सुनो 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 कि मचिया बैठाला हेलो सास से अरजिया करथिन हे लाला हे सासू हे सापा नहे देखलिया बरया जबूता से हमता लंका करता के तुम्हारा बोलने देखली खराब सपना देखला अब था नगर से सासु हे लाला जय के हे लाला
बोलिए श्री कृष्ण भगवान।